तो मैंने पहले हाइराइडर बुक करी थी टोयोटा की जो है। तो आपको कितने के पड़े भाई अलॉय व्हील? ये मेरे को 35 के पड़े थे। तो भाई एवरेज वगैरह क्या देती है सीएनजी फुल टैंक पे? एवरेज बहुत अच्छा है जो है, 200 प्लस चलती है जो। तो ये भी दिखा रही है कि इतना इसमें भी सीएनजी बची हुई है। बची हुई है जो। तो सीएनजी का सिलेंडर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है ये। झट गुस्सा हुण जाण दे क्यों अखां ने भरिया नी, क्यों गल चो लाउण नू फिरदी जो हत्थी गानिया पाइया नी। झट गुस्सा हुण जाण दे क्यों अखां ने भरिया, क्यों गल चो लाउण नू फिरदी है जो हत्थी गानिया पाइया नी। मुंडे पागल ने सारे गलां वड्डियां वड्डे नाल, उम्र दी हौली अड़िए तू नी बच के रे। मुंडे पागल ने सारे गलां वड्डियां वड्डे नाल, उम्र दी हौली अड़िए तू नी बच के रे। वेलकम बैक टू हरसेंस। यार कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। तो भाई जैसे कि देख सकते हो आज हम आपको दिखाने वाले हैं ग्रैंड विटारा। जैसे कि आप नोटिस कर रहे हो भाई ने अलॉय व्हील वगैरह सारी चीजें लगवा रखी हैं। तो आज का हम मॉडिफिकेशन का भी रिव्यू करने वाले हैं और भाई से ओनर से रिव्यू वगैरह भी लेने वाले हैं कि उन्होंने ग्रैंड विटारा ही क्यों ली, क्योंकि इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में और भी गाड़ियाँ आती है तो उन्होंने और गाड़ी रिजेक्ट कर ग्रैंड विटारा क्यों प्रेफर करी। तो उस चीज का बहुत ही ज्यादा डिटेल वीडियो होने वाला है। तो बिना किसी देर के वीडियो करते स्टार्ट और मिलवाते अपने गाड़ी के ओनर से। चलो फिर नवीन भाई, नवीन भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया भाई। तो भाई सबसे पहला मेरा सवाल ये रहता है, हम जिसका भी ओनर से वगैरह करते हैं कि आपने यही गाड़ी क्यों ली, क्योंकि सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में मेनली दूसरी भी गाड़ी आती है। तो मैंने पहले हाइराइडर बुक करी थी टोयोटा की जो है, तो वो मेरे को मिल नहीं पाई जो है। अच्छा, तो इसलिए मैंने वेटिंग वगैरह वेटिंग वगैरह थी ज्यादा जो है। अच्छा, तो ये आपको ये कितने दिन में मिली ग्रैंड विटारा? ये मेरे को 10 दिन में मिल गई थी। अच्छा, 10 दिन के अंदर अंदर आपको मिल गई जी। तो ऑन रोड वगैरह आपको कितने की पड़ी है? ये मेरे को 15.5 की पड़ी जो। 15.5 लाख रुपए की आपको ऑन रोड पड़ी। तो जैसे कि हम नोटिस कर रहे हैं तो अपनी सीएनजी रहने वाली है। तो सीएनजी लेने का मेन कारण कुछ नहीं था, बस थोड़ा एवरेज पे फर्क पड़ता है और पेट्रोल का ज्यादा चलता नहीं है जो है। अच्छा अच्छा, फिर रनिंग वगैरह की आपकी ज्यादा रहती होगी तो उसके हिसाब से सीएनजी बेस्ट है। तो जैसे कंपनी फ्रीड सीएनजी है तो इसमें अगर मेनली बीच में स्विच करती है पेट्रोल सीएनजी तो कुछ पता चलता है? कुछ भी पता नहीं पड़ता, अपने आप ऑटोमेटिक ही अपने आप उस पर हो जाती है। अच्छा, पेट्रोल पे और सीएनजी पे जैसे कि फ्यूल वगैरह की खत्म हो जाता है बाई चांस तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है मेनली। तो बाकी अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम पेट्रोल वाले वेरिएंट की तरफ जाएं तो ऑन रोड वगैरह कितने की पड़ेगी? वो पड़ती है जो बेसिक मॉडल पड़ता है वो 12.5 में पड़ता है जो। 12.5 में। तो आपने जैसे बात आ रहे हो कि पहले हाइराइडर देखी हुई थी तो वो भी सीएनजी में थी? वो सीएनजी में थी। अच्छा, वो भी सीएनजी में थी, ठीक है ठीक है। तो कितने दिन हो गए भाई लिए हुए आपको इसको? मेरे को हो गए 10-15 दिन के करीब। अच्छा, 10-15 दिन। तो पहली सर्विस होगी इसकी 1000? आज हुई थी। अच्छा, आज ही हुई है, ठीक है ठीक है। तो भाई फ्रंट वगैरह से स्टार्ट करें तो आपने जैसे कि सीएनजी है तो इसमें नॉर्मल हेलोजन लाइट वगैरह आती है, बेसिक मॉडल, नीचे अपना बेस से एक ऊपर वाला, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल हेलोजन वगैरह आती है, तो आपने मॉडिफिकेशन वगैरह कराई है आफ्टर मार्केट? हाँ, आफ्टर मार्केट कराई है मैंने जो। अच्छा अच्छा, तो इसमें सामने की तरफ एलईडी लगवाई है? एलईडी लगी है। अच्छा, कितने वाट वगैरह की होने वाली? 175 की है इसमें। अच्छा अच्छा, 175 वाट की एलईडी वगैरह सामने है, ठीक है ठीक है। वारंटी वगैरह की अगर बात करें? वारंटी वगैरह बिल्कुल प्रॉपर कपलर टू कपलर वायरिंग हुई इसकी जो है। अच्छा अच्छा, और वारंटी वगैरह भी जो 1-2 साल की मिलती है वही है? ठीक है ठीक है। तो इस सेगमेंट में आपने पहले हाइराइडर देखी थी फिर आपने ग्रैंड विटारा ली, तो मेन यही था कि इसी प्राइस रेंज में गाड़ी लेनी है या फिर यही गाड़ी लेनी है? नहीं नहीं, इसी प्राइस जो रेंज था उसी में लेनी थी मेरे को गाड़ी, ठीक है ठीक है। तो उसी प्राइस में ये पड़ी है मेरे को जो है। ओके ओके ओके। बाकी देख सकते हैं साइड प्रोफाइल वगैरह भी, जैसे कि आपने अलॉय व्हील वगैरह डलवा रखे हैं तो मुझे लगता है शायद ये वही है जिसमें जो अपने जो स्टील वाले रिम आते हैं वही टायर साइज रहने वाला है, 17 इंच वाला वही साइज है इसका। अच्छा अच्छा, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो डिजाइन वगैरह भी कुछ इस बार डिफरेंट है, अपना सीवीटी डिजाइन रहता है ये, और बीच में यहाँ पे जो अपने मरकरी एक्सट्रू की बैजिंग वगैरह मिल जाती है। भाई ने करोल बाग से डलवाए हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें 215/60R17।
तो आपको कितने के पड़े भाई अलॉय व्हील? ये मेरे को 35 के पड़े थे। अच्छा 35,000 रुपए के पड़े, ठीक है ठीक है। तो इसके साथ आते हैं उनको देके? उनको देके, ठीक है ठीक है। तो मेनली यही था कि पहले अपने ये वाले टायर खत्म हो जाए, फिर इतने ये वाले अलॉय व्हील डलवा लें, फिर बाद में बड़े डलवा लेंगे। बड़े डलवा लेंगे, क्योंकि इनको वो इतने पैसे में लेते नहीं, अगर वो लेते हैं तो बहुत कम पैसे लगाते हैं जो टायर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। बाकी जैसे कि हम मिरर वगैरह भी देख सकते हैं, ये भी आपने जो है इसी गाड़ी के साथ आए या फिर बाहर से लगवाए? नहीं नहीं, ये साथ ही आए थे। अच्छा, सीएनजी में जो सारे आधी ज्यादा चीजें मिल जाती है इस वेरिएंट में? हाँ मिल जाती है, ठीक है ठीक है। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी का लुक वगैरह कुछ इस तरह से रहने वाला है भाई। जैसे कि अपने जो मारुति ने ग्रैंड विटारा सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करी थी, अपने जो मिड एसयूवी साइज सेगमेंट में, तो गाड़ी चलने में कैसी है? गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, और जैसे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, हाइट है काफी जो है, ठीक है। और दूर से वो लोग बोलते हैं कि मिनी फॉर्च्यूनर जैसी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, मिनी फॉर्च्यूनर लोगों ने नाम दे रखा है, थोड़ी थोड़ी फॉर्च्यूनर जैसी लगती है। बाकी अगर आपको रियर प्रोफाइल वगैरह दिखाऊं तो रियर में भाई कुछ चेंज है या फिर अपनी बेसिक है? नहीं, कराया है मैंने इसमें रिफ्लेक्टर जो है ये डलाए हैं जो है। अच्छा, रिफ्लेक्टर चेंज है अपने जो रहने वाले हैं एक बार, ठीक है ठीक है। और बाकी जो अपनी पीछे से बिल्कुल बेसिक रखी हुई है, ठीक है ठीक है। ऊपर रूफ रेल वगैरह ये भी आपने एडिशनल डलवाई? वो अलग से डलवाई है, ठीक है ठीक है। बाकी आप देख सकते हो गाड़ी का एक्सटीरियर हमने आपको दिखा दिया, आपको दिखाते हैं गाड़ी का इंटीरियर। तो नवीन भाई एक बार गाड़ी के अंदर बैठो। तो गाड़ी का इंटीरियर जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो, सॉफ्ट टच वगैरह सारी चीज़ें भाई ने करा रखी हैं, टूजेड साइड में भी, गत्ते वगैरह पे भी। तो ये अब भाई इसी कलर में आता था पहले डैशबोर्ड, इसमें कराया या फिर कोई डिफरेंट कलर है? नहीं, थोड़ा डिफरेंट कलर है इसका। अच्छा अच्छा, डिफरेंट कलर आपने कराया है इसमें, तो ठीक है ठीक है। जो बेसिक आता है वो प्लास्टिक में आता है। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट टच कराया, एक्स्ट्रा सॉफ्ट टच, ठीक है ठीक है। तो भाई एक बार गाड़ी के अंदर बैठो, इंटीरियर वगैरह एक बार दिखाते हैं। तो जैसे कि हम सीट कवर वगैरह नोटिस करें तो ये अपने कंपनी से है या ये भी आफ्टर मार्केट है? नहीं, ये कंपनी से आए थे जो। अच्छा, कंपनी से आए थे ये वाले सीट कवर, जैसे एसेसरी वगैरह में जो देते हैं बेसिक किट में, बेसिक किट में आते हैं, ठीक है ठीक है। और बाकी ये देखो, ये अपना सीएनजी का मीटर आपको यहाँ पे मिल जाता है, सामने ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बराबर में, और सामने फ्यूल वाला इधर मिल जाता है। तो ये अभी दिखा रही है कि इतना इसमें भी सीएनजी बची हुई है, बची हुई है जो। ठीक है ठीक है। और डिस्प्ले वगैरह भी ये सब मैंने बाहर से कराया था जो है। अच्छा अच्छा, ये डिस्प्ले वगैरह भी जो है। हाँ हाँ, इसमें तो नॉर्मल 7 इंची की आती है शायद। हाँ, 7 इंची की आती है जो। तो ये हमने जो कराई है ये अपनी कराई है 10 इंची की। तो ये डिस्प्ले आपने खरीदी थी या भाई पहले से थी आपके पास? ये मेरे पास पहले से थी जो है। अच्छा, तो हाँ। आपने बस जाके लगवाई है? लगवाई है जो है। ठीक है ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हो मोटर जो करके अपनी कोई कंपनी है उसकी भाई ने डिस्प्ले वगैरह लगवाई है। तो भाई डिस्प्ले जैसे कि आपने आफ्टर मार्केट लगवाई है तो इसकी वायरिंग वगैरह भी सेम थी, मतलब कपलर टू कपलर हुई है वायरिंग? अच्छा, कपलर टू कपलर रहती है वायरिंग वगैरह। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले वगैरह, टच रिस्पॉन्स कैसा है भाई डिस्प्ले? बहुत अच्छा है जो। एक बार आपको दिखाऊं तो ये हमने कर दिया इसमें जो, ये अपना रहता है कुछ इस तरह से, ये देखो। तो भाई जैसे कि लोग बोलते हैं कि नई गाड़ी में बाहर से काम करवाना बेवकूफ़ी है, कि वायर कट हो जाती है, वारंटी वगैरह आउट हो जाती है। जैसे कि आप इसे आज कंपनी लेके गए सर्विस वगैरह कराई, तो ऐसा तो है, नोटिस नहीं करते? नोटिस तो करते हैं, वो सब कुछ देखा था इसका जो है। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने कहा कुछ? मतलब नहीं, कुछ नहीं कहा, कपलर टू कपलर वायरिंग हो तो कुछ नहीं बोलते हैं जो। वारंटी वगैरह ठीक है? ठीक रहती है, ठीक है ठीक है। बाकी जैसे कि भाई बता रहे हैं अभी फर्स्ट सर्विस हुई है, तो भाई ने चला दी 1251 किलोमीटर 112.51 किलोमीटर। तो भाई एवरेज वगैरह क्या देती है सीएनजी फुल टैंक पे? एवरेज बहुत अच्छा है जो है, 200 प्लस चलती है जो। 200 प्लस चल जाती है, तो सिटी और हाईवे मिला के, है ना? हाँ, दोनों अपना। ठीक है ठीक है। तो बाकी अब दिखाएं तो भाई इसमें जो लोग बोल रहे कि पेट्रोल में भी एवरेज बढ़िया मिलता है? नहीं, पेट्रोल में एवरेज अच्छा नहीं है, अगर हाईवे पे चलोगे तो जब पेट्रोल ये एवरेज देती है जो है, अगर नॉर्मल चलोगे तो एवरेज नहीं देगी जो सिटी के अंदर, जो एवरेज इसका जो लोकल में जो एवरेज नहीं है जो। ठीक है ठीक है। बाकी आप देख सकते हो तो इंटीरियर वगैरह जैसे कि भाई ने आपने सॉफ्ट टच वगैरह कराया, तो कितने का पड़ा आपको ये? ये सर मेरे को सारा जो है इंटीरियर हुआ है, अंदर जो पूरा अंदर इंटीरियर आउट जो आउटडोर है जो है सारा 85 के करीब पड़ा है। अच्छा, 85,000 रुपए में अलॉय के साथ इंटीरियर वगैरह सारी चीजें? ठीक है ठीक है। नीचे की फ्लोरिंग वगैरह भी शायद आपने करा रखी है अपनी? फ्लोरिंग वगैरह भी कराई है जैसे कि देख सकते हो। और भाई साउंड की अगर बात करें तो इसमें हमने पहले से जो स्पीकर वगैरह मिलते हैं, क्योंकि ये बेस से ऊपर एक मॉडल है, तो इसमें स्पीकर वगैरह भी, स्क्रीन वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। तो एक्स्ट्रा स्पीकर वगैरह भी आपने ऐड ऑन कराए हैं? नहीं, स्पीकर मैंने वो ये जो कंपनी के हैं वही रखे हुए हैं, बस बेस ट्यूब लगाई मैंने। अच्छा, एक बेस ट्यूब और एम्प जो है। अच्छा, बेस ट्यूब और एम्प लगवाया। इसका आउटपुट वगैरह आपको एक बार सुनाते हैं, क्या खतरनाक निकल के आने वाला है। तो नवीन भाई एक बार सॉन्ग वगैरह प्ले कर दो। अगर आपको पीछे की तरफ दिखाऊं तो इसमें बूफर और अपना जो बेस ट्यूब वगैरह जैसे कि भाई बता रहे हैं,
तो अपना ये रहने वाला है भाई अपना कॉन्वेक्स का सब वूफर। आउटपुट वगैरह आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, काफ़ी अच्छा खासा निकल के आ रहा है। तो नवीन भाई इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें, ये आपको कितने का पड़ा? ये मेरे को पड़ा था 25,000 का जो है। अच्छा सर, वूफर वूफर, ठीक है ठीक है, ये भाई को 25,000 रुपये का पड़ा। तो भाई आपने पहले किसी गाड़ी में लगा रखा था अपनी में? यस मैंने लगा रहा था, मेरे पास स्कॉर्पियो थी उसके बाद जो डस्टर थी। अच्छा अच्छा, दोनों में ये लग रहा था। तो आप क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, दो गाड़ी में यूज होने के बाद भी इसमें काफी अच्छी साउंड क्वालिटी वगैरह आ रही है। तो सीएनजी का सिलेंडर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रहता है ये, ठीक है, ये अपना पूरा पूरा कवर रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इसमें सीएनजी लगने के बाद भी इतना स्पेस है कि एक वूफर और साइड में अपना सामान इजीली रख सकते हैं, आराम से आ सकता है, इसका बूट स्पेस जो काफी बड़ा है। ठीक है ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। तो भाई जैसे कि आपने गाड़ी लिया तो कंक्लूजन वगैरह कैसा है, मतलब गाड़ी लेके संतुष्ट है भाई? बहुत। इस प्राइस रेंज में गाड़ी बढ़िया है, बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, तो बाकी अगर आप प्रीफर करना चाहो जो गाड़ी 10 से 15 लाख रुपए में बीच में ढूंढ रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार वो जाके ग्रैंड विटारा देखें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा भाई डीलरशिप में जो आपने गाड़ी ली थी कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं? कुछ नहीं हुई, मेरे बिहेवियर वगैरह सब का सही अच्छा था। ठीक है ठीक है, बाकी आप लोग गाड़ी देख सकते हो, भाई ने जो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन वगैरह अलॉय व्हील वगैरह सारी चीज़ें करा रखी हैं। तो आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है गाड़ी कैसी लगी, साउंड क्वालिटी कैसी लगी। तो ये थी अपनी एक छोटी सी वीडियो वगैरह कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।